शनिवार को कलेक्ट्रेट पर इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राशिद सैफी अपने साथियों के साथ एक दिन के आक्रोशित उपवास पर बैठे। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने एवं शहीदों के परिवारों के दुख, दर्द और पीड़ा को महसूस करने एवं इस हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये उपवास रखा गया। इस संबंध में बताते हुए राशिद सैफी ने कहा कि पुलवामा हमले में जिन माओं के बेटे, जिन बहनों के भाई, जिन पत्नियों के पति और जिन बच्चों के पिता शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों के मुंह में ना तो रोटी का निवाला गया होगा और ना ही पानी की बूंद गई होगी। वो सभी भूखे और प्यासे होंगे। उनकी इसी भूख प्यास की शिद्दत को महसूस करते हुए एवं उनके दुख, दर्द और पीड़ा को महसूस करते हुए आज हमने इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक दिन का उपवास यानी रोजा रखा है। जिस तरह रमजान में हम रोजा रखते हैं, उसी तरह आज हमने भूखे और प्यासे रहकर रोजा रखा है, जिससे कि हमारे देश के वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को भेजा गया है एवं भारत सरकार से मांग की गई है कि पुलवामा हमले में जिम्मेदार आतंकियों एवं उनके आकाओं के खिलाफ जल्द से जल्द आवश्यक एवं उचित कार्यवाही की जाए एवं शहीदों के परिजनों को उचित मुआवजा एवं हर तरह की सहायता प्रदान की जाए। देखिए, आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में मुरादाबाद में यहाँ पर इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक दिन के उपवास यानी के रोज़ा रख कर बैठे, और ये उपवास हमने इसलिए रखा है कि पुलवामा में जो हमारे वीर सैनिकों के ऊपर जो हमला हुआ है, तो वो जो सैनिक उसमें शहीद हुए हैं, उनके जो परिवारजन हैं, जो माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, और जो बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, जो पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति खोए हैं, और जो वो बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने अपने पिता खोए हैं, उन सभी परिजनों के हलक से निवाला तक नहीं गया होगा, उनके हलक से पानी की बूंद नहीं गई होगी। तो हमने उनकी इस भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करने के लिए आज ये एक दिन का उपवास रखा है, एक दिन का रोज़ा रखा है, क्योंकि वो लोग हम देशवासियों के लिए ही, हमारी रक्षा के लिए ही वो शहीद हुए हैं। तो हम देशवासियों का ये फ़र्ज़ है कि उनके परिवार वालों के दुख को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भूख और प्यास और उनके दुख, दर्द, उनकी पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास हम कर सकते हैं। उसी एहसास को हमने करने के लिए आज एक दिन का ये उपवास रखा है, अन्नजल हमने एक दिन के लिए त्याग दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौलाना उमर फारूक, पवन शर्मा, मनीष कुमार, आदित्य कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, रतन लाल एडवोकेट, राकेश कुमार एडवोकेट, सरदार गुरविंदर सिंह, चौधरी सुरेश एडवोकेट, ओमवीर सिंह एडवोकेट, अजीम एडवोकेट, नीरज त्यागी एडवोकेट, अरशद परवेज एडवोकेट, जावेद आलम एडवोकेट एवं धवल दीक्षित भी मौजूद रहे।